बढ़ते हुए वायरल व डेंगू मलेरिया से किस तरीके से सुरक्षित रहा जा सकता है और किस तरीके की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल ने सर्वोदय टीवी के साथ खास बातचीत की और बताया कि बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है और गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सावधानियां बरतनी है। मैम, वायरल फीवर बड़ी तेज़ी से रन कर रहा है, तो ऐसे में किस तरह की सावधानियां रखने की ज़रूरत है? वायरल फीवर आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बच्चों में, बड़ों में, सब में देखा जा रहा है। इसके कारण सबसे ज़्यादा जो कॉमन फीचर्स हैं हमें, वो लो प्लेटलेट्स के रूप में सामने आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को डेंगू फीवर हो रहा है आजकल, साथ में मौसम के बदलाव के कारण, बारिश के कारण भी वायरल फीवर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से पीने से बचें और एसी का कम उपयोग करें और थोड़े से कपड़े पूरे शरीर पे पहन के रखें, शरीर को ढक के रखें, मच्छरों से अपना बचाव करें। कहीं पे भी अपने घर में या घर के बाहर नालियों में, सड़कों पे जल भराव ना होने दें, क्योंकि उसी से ही डेंगू के जो मच्छर हैं वो पनपते हैं और डेंगू फैल रहा है उसके कारण। जी मैम, जैसा कि वायरल फीवर तेज़ी से फैल रहा है, तो ऐसे में क्या ये फीवर मौत पर भी बन सकता है, जान पर भी आ सकती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लो प्लेटलेट्स के जो केसेस हमें देखने को आ रहे हैं और जो बच्चे खासकर जिसके कारण इतने ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, तो उसके कारण इससे ज़रूर मौत होने की संभावना है। लोगों में बड़ा पैनिक है, लोग बड़े डरे हुए हैं, तो ऐसे में किसी को सार्थक मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि बच्चों को पूरे कपड़े पहना के रखें, बचाव करें उनका, उबला हुआ पानी पिए, बदलता हुआ मौसम है बारिश का, इसमें किसी भी संक्रमण से बचें, बाहर के कटे हुए फल और बाहर की चीज़ें खाने से परहेज करें, अपने घर का ही गर्म खाना खाएं और अपने घर के आसपास या घर के अंदर कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि वो मच्छरों के लिए एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग का सोर्स होता है। मैम, जिस तरीके से डेंगू मलेरिया और वायरल फीवर चल रहा है, तो गर्भवती महिलाओं को भी इससे किसी तरह का कोई प्रभावित पड़ सकता है? बिल्कुल, गर्भवती महिलाओं को भी उतना ही खतरा है, बल्कि गर्भवती महिलाओं को तो छोटे से इन्फेक्शन के कारण भी बहुत बड़ा होने की चांसेस रहते हैं, और गर्भवती महिलाओं में अगर प्लेटलेट्स लो होते हैं तो बच्चे का पेट में एक्सपायर होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, रिस्क रहता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल। मैम, वायरल फीवर बड़ी तेज़ी से रन कर रहा है, तो ऐसे में किस तरह की सावधानियां रखने की ज़रूरत है? वायरल फीवर आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बच्चों में, बड़ों में, सब में देखा जा रहा है। इसके कारण सबसे ज़्यादा जो कॉमन फीचर्स हैं हमें, वो लो प्लेटलेट्स के रूप में सामने आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को डेंगू फीवर हो रहा है आजकल, साथ में मौसम के बदलाव के कारण, बारिश के कारण भी वायरल फीवर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से पीने से बचें और एसी का कम उपयोग करें और थोड़े से कपड़े पूरे शरीर पे पहन के रखें, शरीर को ढक के रखें, मच्छरों से अपना बचाव करें। कहीं पे भी अपने घर में या घर के बाहर नालियों में, सड़कों पे जल भराव ना होने दें, क्योंकि उसी से ही डेंगू के जो मच्छर हैं वो पनपते हैं और डेंगू फैल रहा है उसके कारण। जी मैम, जैसा कि वायरल फीवर तेज़ी से फैल रहा है, तो ऐसे में क्या ये फीवर मौत पर भी बन सकता है, जान पर भी आ सकती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लो प्लेटलेट्स के जो केसेस हमें देखने को आ रहे हैं और जो बच्चे खासकर जिसके कारण इतने ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, तो उसके कारण इससे ज़रूर मौत होने की संभावना है। लोगों में बड़ा पैनिक है, लोग बड़े डरे हुए हैं, तो ऐसे में किसी को सार्थक मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? मैं
सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि बच्चों को पूरे कपड़े पहना के रखें, बचाव करें उनका, उबला हुआ पानी पिएं, बदलता हुआ मौसम है बारिश का, इसमें किसी भी संक्रमण से बचें, बाहर के कटे हुए फल और बाहर की चीजें खाने से परहेज करें, अपने घर का ही गर्म खाना खाएं और अपने घर के आसपास या घर के अंदर कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि वो मच्छरों के लिए बहुत बड़ा ब्रीडिंग का सोर्स होता है। मैम, जिस तरीके से डेंगू मलेरिया और वायरल फीवर चल रहा है, तो गर्भवती महिलाओं को भी इससे किसी तरह का कोई प्रभावित पड़ सकता है? बिल्कुल, गर्भवती महिलाओं को भी उतना ही खतरा है, बल्कि गर्भवती महिलाओं को तो छोटे से इन्फेक्शन के कारण भी बहुत बड़ा होने की चांसेस रहते हैं, और गर्भवती महिलाओं में अगर प्लेटलेट्स लो होते हैं तो बच्चा का पेट में एक्सपायर होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, रिस्क रहता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल। मैम, वायरल फीवर बड़ी तेज़ी से रन कर रहा है, तो ऐसे में किस तरह की सावधानियां रखने की ज़रूरत है? वायरल फीवर आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है, बच्चों में, बड़ों में, सब में देखा जा रहा है। इसके कारण सबसे ज्यादा जो कॉमन